हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एल्स टॉय का नेक्सस प्रोडक्ट राइड ऑन इलेक्ट्रिक टॉय फॉर किड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिक बाइक है, टॉय है बच्चों के लिए। आप इसमें 12 वोल्ट का बैटरी आप इसमें ऑपरेटेड है, 12 वोल्ट बैटरी से ये ऑपरेट होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ब्लू एंड वाइट कलर का है। आप इसमें आपको रेड एंड वाइट भी आता है और येलो कलर का भी आता है। आप ऑडियंस का क्या बोलना चाहेंगे? लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बोलिए। हाँ, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो। फ्रेंड चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसमें आपको 35 किलो का वेट सपोर्टेड है, मतलब 35 किलो के बच्चे भी इसको चला सकते हैं। 3 से 8 साल के लिए है। इसमें आप हैंड एक्सेलरेशन है, पेडल ब्रेक है, म्यूजिक है, सेफ्टी सपोर्ट व्हील है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ड्राइव आपको देखने को मिल जाता है। जी हाँ फ्रेंड, पावर ड्राइव है, बैक लाइट है, म्यूजिक है, हेड लाइट के साथ भी आता है। तो चलिए इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। फ्रेंड इसका प्राइस जो है करीब 13,000 के आसपास है। अगर आप ऑफर वगैरह में लेंगे या कार्ड में अगर आपका ऑफर अगर रहता है तो थोड़ा बहुत और कम होगा। ओके, थोड़ा सा हटिए। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, ब्लू कलर का है। आप इसमें रेड एंड वाइट और येलो कलर भी आप मंगा सकते हैं। इसको हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट दोनों में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है, ये बॉक्स के अंदर बॉक्स है। वाओ, मेरे लिए। फ्रेंड्स ये आप बच्चों के लिए बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। देखते हैं सब सही सलामत आया कि नहीं। हटिए। तो फ्रेंड जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये इस तरह से पैकेजिंग में आया हुआ है। थोड़ा सा असेंबल करना पड़ेगा, 90% असेंबल है, बाकी आप जो है आपको असेंबल करना पड़ेगा। ये आपको हेडलाइट, बैक लाइट, नंबर प्लेट वगैरह सब दिया हुआ है। चलिए एक एक करके नीचे करते हैं। थोड़ा सा आप साइड में जाइए। देख रहे हैं फ्रेंड्स ये सब पार्ट्स हैं, एक एक करके चलिए निकालते हैं। थोड़ा बहुत असेंबल करना पड़ेगा। इसको तोड़ना मत, वो तो बहुत भारी है, अब कैसे उठाऊंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं अब इसको हमें थोड़ा सा असेंबल करना पड़ेगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स ये सपोर्ट के लिए व्हील दिया हुआ है और यहाँ पे यूज़र मैनुअल देखते हैं कहाँ पे है।
यहाँ पे आपको चार्जर भी मिल जाता है। तो फ्रेंड जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये सब इसके साथ मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हेडलाइट है जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये वायर है इस हेडलाइट के साथ आपको कनेक्ट करना है। बॉडी फ्रंट फेस लाइसेंस प्लेट फ्रंट व्हील असेंबली पेडल हैंडल बार रियर व्यू मिरर चार्जर हेडलाइट ऑक्सिलरी व्हील। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं ये वायर है अटैच करना है। देखा आपने किस तरह से इंस्टॉलेशन बाइक का हुआ। 90% इंस्टॉलेशन करके आया हुआ था। आपको हेडलाइट लगाना था, हैंडल लगाना था, पैडल लगाना था और सपोर्ट के लिए व्हील लगाना था। उसके बाद आपको ये रियर मिरर और इंडिकेटर बैक इंडिकेटर और नंबर प्लेट लगाना था और ये सीट कवर में आपको सीट कवर लगाना था और जहाँ जहाँ वायर ये दिया हुआ है इसको अटैच करना था। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हम आपको क्लोजअप भी दिखाते हैं क्या क्या इंस्टॉलेशन हुआ है और क्या क्या इसमें फंक्शन है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा क्लोजअप दिखाते हैं। और फ्रेंड्स ये आपको चार्जर ये मिल जाता है जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं मॉडल BMX01 ऑटो कट है, फंक्शन है इसमें। आउटपुट 12 वोल्ट DC है, ये सप्लाई करता है 1000 mAh। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं बॉडी आपको मिलेगा, यहाँ पे व्हील लग के आया हुआ था। फ्रंट फेस लाइसेंस प्लेट फ्रंट व्हील असेंबली व्हील फ्रंट व्हील लगा के आया हुआ था। पेडल्स हैंडल बार रियर व्यू मिरर चार्जर हेडलाइट ऑक्सिलरी व्हील। तो आपको व्हील तो लगा हुआ था इसमें तो इसलिए झंझट नहीं। तो आपको हैंडल लगाना है, वायर अटैच करना है, उसके बाद हेडलाइट को लगाना है, हेडलाइट को अटैच करना है, उसके बाद आप रियर मिरर लगा सकते हैं, नंबर प्लेट लगा सकते हैं, ये इंडिकेटर लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद आपको नंबर प्लेट और ये पैडल में ये जो वायर दिया हुआ है वायर अटैच करके जहाँ जहाँ भी वायर है आपको अटैच करके लगाना है। उसके बाद जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे बैटरी है, बैटरी में भी एक वायर अटैच करके उसके बाद आपको लगाना है। रिमूव द प्लास्टिक कैप ऑफ पावर सप्लाई कनेक्ट द बॉडी पावर कॉर्ड कवर द सीट प्लेट।
तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, आपको ये चार्जर मिल जाता है और यहाँ तो फ्रेंड्स ये चार्जिंग का पोर्ट है, यहाँ पे कैप है। आपको सिंपली ये चार्जिंग पोर्ट को यहाँ पे लगा देना है और आपको बटन को ऑन कर देना है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, रेड लाइट है, कंप्लीट चार्ज हो जाएगा तो ब्लू लाइट चल जाएगा। तो अभी हम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वायर है, ये हैंडल का वायर है, तो इसको आपको लगाना है। जैसे कि आप ये लगा हुआ है, ऐसे ही हेडलाइट में भी कनेक्टर है, उसको आप कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे पैडल में भी कनेक्टर है, कनेक्टर कनेक्ट करके आपको पैडल लगा देना है। सपोर्ट के लिए व्हील नीचे से लगा देना है और ये नंबर प्लेट को बस इसमें एडजस्ट कर देना है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ये आपको रियर मिरर और ये आपको इंडिकेटर सिंपली आपको इंसर्ट कर देना है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, मॉडल काफ़ी अच्छा लग रहा है। 35 किलो वेट ये सपोर्ट करता है, 3 से 8 साल के लिए पर्याप्त है। आपको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट करना है। जैसा कि आप ये साउंड सुन पा रहे हैं, ये स्टार्ट हो गया है। अब ये बटन जो दिया हुआ है, ये बीच में रखिएगा तो कोई भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे और एक्सीलेटर लेंगे तो ये आगे जाएगा, और इसको आप बैक करेंगे तो ये पीछे आएगा। इसको आप बीच में कर देंगे तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। उसके बाद ये आपको हॉर्न है, ये आपको म्यूजिक है, ये ABC है। यहाँ पे आप पिन ड्राइव लगा भी सकते हैं। उसके बाद व्हील लाइट के लिए आपको इस बटन को, जो फंक्शन बटन है, इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। तो आप देख पा रहे हैं ये व्हील लाइट जल गया है, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये अभी स्टेबल है, अगर आपको फिर 3 सेकंड के लिए दबाएंगे तो ये ब्लिंक करने लगेगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। हाँ, धीरे 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 चलिए। तो फ्रेंड्स, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन कैसा लगा। बाकी फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।